मतलब why you want to become a doctor? जब मैं पढ़ती हूँ मेरे को लगता है मेरा syllabus हो गया है, मेरा basics हो गया है. In one word, I can say that कि 7 hours sleep is more than sufficient for an industry. Okay. Hello everybody and welcome to the Walk and Talk an initiative by an academy. And here I am Deepak Sahu, a first year MBBS student in All India Institute of Medical Science, AIIMS, New Delhi. And since you, some of you may know that I have secured All India Rank 5 in NEET 2021. And आज के session में basically जैसा कि आप में से पता होगा कि Walk and Talk में हम लोग aspirants से बात करते हैं एंड उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर्स दिए जाते हैं बाय द टॉपर्स हिमसेल्फ. एंड सो हियर वी हैव फॉर द टुडेस शो आवर एस्पिरेंट एंड दैट इज. हेलो गाइस, आई एम रूबी दास फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम नीट एस्पिरेंट फॉर 2023. सो रूबी, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मतलब व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? डॉक्टर क्योंकि ये मेरा और मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं. ओके, सो इट्स रियली नाइस कि आपके डैड चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने बिकॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑल. ओके, सो रूबी, मतलब यू कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड ऑल, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करती हैं. सो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब मैं पेपर देने जाती हूँ ना तो मुझे बहुत नर्वसनेस होती है एंड कभी कभी नर्वसनेस की वजह से मेरी कन्फ्यूजन बहुत बढ़ती है और मैं गलत कर देती हूँ. ऐसा नर्वस क्यों होता है? ओके, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मतलब जितने भी लोग नर्वस फील करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इवन चाहे वो ऑल इंडिया रैंक वन हो या फिर जितने भी टॉपर्स हो, सब कहीं ना कहीं फील करते हैं. और ये बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही है आपके साथ. सो सबसे पहले तो आपको नर्वसनेस को बहुत लाइटली लेना है और हर एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस होती ही है. मतलब मुझे लग रहा है अगर वो हो नहीं रही तो ऐसा आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, है ना. सो द थिंग इज़ दैट उसको हमें ओवरकम करना होता है, हमें खुद से बात करके खुद को संभालना होता है कि कुछ नहीं है एंड चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना होता है. द थिंग इज़ दैट नर्वसनेस को रिमूव जैसा मैं करता था तो वो ये था कि मैं जैसे ओवर थिंकिंग नर्वसनेस को प्रमोट करती है. सो मैं एक्चुअली क्या करता था, मैं कम सोचता था, मतलब मैं ज़्यादा थाट्स ही नहीं लाता था एग्ज़ाम रिलेटेड एंड ऑल. मतलब मैं हमेशा प्रेजेंट पे फोकस रहता था और मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता था. तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ना करना मेरे नर्वसनेस से मुझे बचा ले जाता था. सो आई थिंक रूबी दैट कैन बी अ वन थिंग, मतलब विच यू कैन इंडल्ज इन योर प्रिपरेशन सो दैट आपको ये चीज़ फील ना हो. ओके, सेकेंडली आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि ना जब मैं पढ़ती हूँ मेरे को लगता है मेरा सिलेबस हो गया है, मेरा बेसिक्स हो गया है, बट तो फिर भी ना क्यों मैं इतना कन्फ्यूज हो जाती हूँ, मैं सही आंसर को भी गलत कर जाती हूँ. ओके, सो मैं एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब फर्स्ट टाइम चीज़ों को पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती. जब हम चीज़ों को रिपीट करते हैं तो हम उसे और ज़्यादा मतलब मास्टरी करने लगते हैं धीरे धीरे एंड प्रैक्टिस के साथ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से मतलब हमें आ जाती हैं. सो दैट इज़ अ थिंग, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी में ये रहता था कि मैं हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम देता था जितना वो डिमांड करता था एंड मैं चैप्टर बाई चैप्टर अपने सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते चला जाता था. ऑल्दो इट विल टेक टाइम, बट ये है कि आपका सिलेबस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज नीट में पूरा सिलेबस आता है एक्चुअली एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर करना होता है. सो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी. सो द थिंग इज दैट स्ट्रैटेजी वाइज ये कहूँगा कि आप रेगुलर रहें एंड रेगुलर प्रैक्टिस करें. एंड रही बात कन्फ्यूजन की, तो ओनली द प्रैक्टिस, द नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितनी लगाएंगे दैट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा रियल में आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होता है, इस कंडीशन में होता है, या फिर इसका सही आंसर ये है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप गलती करोगे एंड जब आप गलती करोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ मैंने वो गलती की थी, तो आप एग्ज़ाम में वो चीज़ या वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी. सो दैट इज़ द थिंग, मतलब जो आप इस में कर सकते हैं इस इशू में. Now I'm asking to you, कि आप सोते कितनी देर थे as a NEET aspirant जब आप preparation कर रहे हैं? As a NEET aspirant and जितने भी NEET aspirants सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हम जिस एज ग्रुप में होते हैं तो साइंटिफिकली ये चीज़ बताई गई है कि 7 hours sleep is very adequate one, मतलब 7 घंटे आपको सोना है. मेरे साथ ये था कि मैं 7 घंटे से कभी कम नहीं सोया, भले मैं ज़्यादा सो लूँ थोड़ा सा, बट कभी भी कम नहीं होता था. बिकॉज द थिंग इज़ दैट अगर आप सोचोगे कि आप कम सोगे और आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी मेमोरी में, है ना.
एंड सिंस मैं और भी चीज़ें बायोलॉजिकली रिलेट कर सकता हूँ कि 7 घंटे ही क्यों सोना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर. सो आइडियल टाइम जिसमें आपको सोना चाहिए दैट इज़ 7 आवर्स स्लीप. ओके ओके सो फाइनली इन वन वर्ड आई कैन से दैट कि 7 आवर्स स्लीप इज मोर देन सफिशियंट फॉर अ नीड एस्पिरेंट. ओके या सो दीपक टेल मी कि तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी. ओके नाइस नाइस. ओके सो अगर मेरी तरफ से है कि रिवीजन कैसे करना चाहिए तो मेरा सबसे पहले होता था जो भी चैप्टर मुझे रिवाइज करना होता था सबसे पहले मैं उसकी कोई DPP निकालता था या फिर कोई क्वेश्चन निकालता था. मतलब डायरेक्टली मैं नोट्स पे नहीं जाता था, सबसे पहले मैं उसके क्वेश्चंस ट्राई करता था ये चेक करने के लिए मुझे कितना याद है उस चीज़ के बारे में. हो सकता है आप पूरा भूल चुके हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से आता था लेकिन अब उसके एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी मैं उसके क्वेश्चन ट्राई करूँगा. आफ्टर क्वेश्चन ट्राई करने के बाद मैं अपने नोट्स पलटाऊँगा या फिर जो मैंने शॉर्ट नोट्स उस समय बनाए होंगे दैट आई विल ट्राई. सो इससे क्या होता है आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, मतलब आपको कितना याद है वो चीज़ जो आपने 2-3 महीने पहले पढ़ा था. सो आई थिंक रिवीजन ऐसे ही करना चाहिए कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड देन आफ्टर शॉर्ट नोट्स करनी चाहिए एंड देन आफ्टर अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको कंक्लूड करना चाहिए कि यस मैंने ये सारा फिनिश कर दिया है रिवाइज करके. या ओके सो आप मुझे ये बता सकते हो ऑर्गेनिक की रिवीजन कैसे करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ओके सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली प्रैक्टिस होती है सिंस आपको पता ही है क्योंकि मैं तो ऐसे करती हूँ कि जैसे एक रिएक्शन करी तो उसको याद करने के लिए 2 बार करती हूँ 2-3 बार फिर उसके बाद न्यू रिएक्शंस पे चली जाती हूँ. ओके ओके सो इज इट ओके बेसिकली देखा जाए सो केमिस्ट्री में बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 पार्ट हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है दूसरा रिएक्शन वाला होता है. तो थ्योरेटिकल पोर्शन के नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका यूज़ है तो NCERT में लिखा है उसकी यूजेस फीचर्स एंड ऑल, तो जैसे एस सच NCERT में लिखा है उसको वहीं से रीड कर लो. एंड रही बात नेम्ड रिएक्शन और बाकी के जो रिएक्शंस हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, मैं क्या करता था मैं एक चार्ट बनाता था, मतलब एक बड़ा सा पेपर लेता था उसमें छोटी छोटी राइटिंग में आई जस्ट पुट ऑन, मतलब मैं उसको मेंशन करता चला जाता था. तो जब भी मुझे रिवीजन करना होता था मैं बस वो पेज देख लेता था और उस चार्ट में मैं उस रिएक्शन को डिटेल मेंशन कर देता था कि मतलब उसके रिएजेंट एंड प्रोडक्ट एंड और भी अदर पॉसिबिलिटी. एंड स्पेशली नेम्ड रिएक्शन का आपको अलग से लिख लेना चाहिए. ओके सो क्योंकि नेम रिएक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो दैट यू कैन डू फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. या सो या मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बड़ी कन्फ्यूज थी होता थी, मीन्स जैसे कि रिएक्शन है अभी मैंने करा फिर उसी रिएक्शन को मैं कुछ महीनों बाद करती हूँ तो बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है. सो द थिंग इज दैट एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बता दूँ जैसे हमारी मेमोरी जो होती है तो द थिंग इज़ दैट कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत कम समय के लिए याद रहेगी. वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको रिपीटेशन करना होगा. तो रिपीटेशन का एक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका कोई हो सकता है तो वो ये है कि अपनी जो दीवार होती है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो जैसे मैं करता था जैसे क्रैप साइकिल चिपका दी, अच्छी कोई रिएक्शन हुई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की वो चिपका दी, फॉर्मूले के चार्ट्स पेस्ट कर दिए वॉल पर. सो यू जस्ट गो ऑन फॉर दीज थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें. मम्मा कुछ नहीं कहती थी दीवार खराब करने में. सो वो तो हमारे बेनिफिट के लिए है ना, तो मम को भी अच्छा लगता था कि यार वो पढ़ तो रहा है किसी ना किसी तरीके से, भाई चाहे वो किताब में लिख के पढ़े चाहे दीवार पर लिख के पढ़े. सो दैट्स द थिंग, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारी नज़र उस पर पड़ती रहती है, वो नेम रिएक्शन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आती रहती है, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. सो दैट इज़ अ थिंग विच यू शुड डू एंड एवरी नीड एस्पिरेंट शुड डू. ओके ओके नाउ यू टेल मी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको हम डेली रिवाइज कर करें तो ज़्यादा बेस्ट है या फिर थोड़े थोड़े दिनों का गैप दे के रिवाइज करें? ओके सो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक फिजिक्स, जिसमें मतलब एंड मैं आपको बता दूँ नीट में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में वेरिएशन नहीं आता है, वही सेम टाइप के क्वेश्चंस, वही सेम फॉर्मूले चीज़ें रिपीट होती है, बस उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट वो चेंज कर देते हैं. है ना, सो देयर इज़ नथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को, और थ्योरेटिकल पोर्शन कम है लेकिन इस टाइम नीट में जैसे मैंने देखा था थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में भी बढ़ गया था, तो उसके लिए आपको NCERT प्रेफर करना है थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए. एंड मैं आपको बताऊँ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करना है कि हाँ ये फॉर्मूलाज होते हैं, एंड प्रैक्टिस करके आप मतलब सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर सकते हो. आपको कभी भी रिवाइज करना होगा तो आप उसकी प्रैक्टिस ही करके रिवाइज करोगे. okay. है ना, एंड द थिंग इज दैट फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बस फॉर्मूला क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस जगह कैसे अप्लाई होगा. तो अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट एंड ऑल नहीं भी पता, सो जस्ट फॉर्मूला क्लेरिफाई करके रखो कि ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ होता है
है ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री आप अच्छा करने के लिए. ओके क्योंकि मैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ जब मुझे रिवीजन करनी होती तो मैं थ्योरी पार्ट भी रिवीजन करती हूँ और फॉर्मूले भी, तो थोड़ा ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. ओके या मतलब दैट्स अ थिंग कि हमें प्रैक्टिस करके रिवाइज करना चाहिए. एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिस करके रिवाइज करने से आपको पता होता है कि आप क्या भूल जाते हैं और क्या आपको याद है ना. तो जो आपको याद रहता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो आप भूल गए उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, तो वो एक टाइम एफिशिएंट वे से आप प्रैक्टिस कर लेते हो, है ना. सो दैट यू शुड मतलब इंक्लूड इन योर प्रिपरेशन. सो दीपक, नाउ यू टेल मी कि इनऑर्गेनिक पार्ट को कैसे मेमोराइज करें, क्योंकि ना होता है कभी कभी एस ब्लॉक पी ब्लॉक में कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, रिएक्शंस कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसमें हम इंक्रीजिंग जा रहे थे डिक्रीजिंग जा रहे थे या क्या कर रहे थे, बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है. द थिंग इज दैट इनऑर्गेनिक में से बताऊं इतनी बार पढ़नी होती है, एंड इनऑर्गेनिक में आई डोंट थिंक सो कि कुछ खास मतलब अलग से कुछ किया जा सकता है. द थिंग इज दैट आपको उसे बार बार उसे रिवाइज करना होगा, बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना ही होगा. यू डोंट हैव एनी अदर गुड अल्टरनेटिव, है ना. प्रैक्टिस करके आप रिवाइज करो. एंड रही बात इवन ऑर्डर्स की, तो उन्हें ये रहता है कि आपको सेपरेटली लिखना चाहिए. जैसे मेरी एक कॉपी थी, शॉर्ट नोट की कॉपी थी जो पूरी इनऑर्गेनिक पे डिवोटेड थी. जैसे एस ब्लॉक हुआ तो एस ब्लॉक के जितने ऑर्डर्स होते थे मैं उस पर लिख लेता था, है ना. एंड पी ब्लॉक के उसके सेक्शन में लिख लेता था. एंड जब भी मैं रिवाइज करता था तो मैं कंपैरिजन करता रहता था कि एस ब्लॉक में ऐसा था, पी ब्लॉक में ऐसा है, एस ब्लॉक में ऐसा है, पी ब्लॉक में ऐसा है. तो इस तरीके से दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया रहता था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है. तो उससे याद करने में भी हेल्प होता था. सो दैट यू कैन डू, मतलब नोट मेकिंग इज़ अ वेरी, मैं तो कहूँगा एक आर्ट ही एक टाइप से, है ना. सो दीपक टेल मी, या कि जो फिजिक्स है वो तो मुझे टफ लगती है. अब वो इसलिए टफ लगती है क्योंकि ना उसके फॉर्मूले थोड़े वो कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि ना कभी कभी कई फॉर्मूले फॉर्मूलों के अलग अलग एक्सप्रेशंस भी होते हैं, वेरिएशन होते हैं. हाँ ओके. सो लेट मी टेल यू वन थिंग इन दिस रिगार्ड, क्या होता है, एक बेसिक होता है एंड बाकी चीज़ें उस बेसिक के अकॉर्डिंग चलती है. केसेस बदल जाने से वो फॉर्मूले में वेरिएशन आने लगता है. सो द थिंग इज दैट कि फिजिक्स में अगर आप बेसिक चीज़ याद रखते हैं कि वो फॉर्मूला बेसिकली कहाँ से आया, फिर केस बदल जाने से, सिचुएशन बदल जाने से आप समझ जाएंगे कि इस फॉर्मूले में क्या चेंज करना चाहिए. तो उसके लिए आपको अपने किसी फ्रेंड से टीचर से हेल्प लेनी होगी बेसिकली समझने के लिए. ओके ओके. एंड फिजिक्स आई थिंक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग अगेन अगेन एंड एज मच एज यू कैन. मतलब फिजिक्स में लिमिट नहीं होती है कि हाँ इतना प्रैक्टिस कर लिया तो हो गया. मैं तो ये कहूँगा मैंने इतनी सारी बुक्स लगाई लेकिन इसके बाद भी मुझे लास्ट में लगता था कि यार अभी कम रह गया या फिर और चीज़ें रह गई या वेरिएशन कवर नहीं हुआ. सो दैट यू कैन गो फॉर इट. एंड फॉर प्रैक्टिसिंग इन फिजिक्स प्रीवियस ईयर मतलब काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, है ना, नीट का, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाते हैं. सो यू कैन चेक फॉर इट. सो दीपक, या एक दिक्कत है मुझे, पता है होता क्या कि जब टीचर्स के साथ हम बैठ के क्वेश्चन करते हैं, वो लोग हमें करवाते हैं, तो बहुत ईजी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन करवाते हैं, वो उस टाइम हो जाते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करो तो भी हो जाते हैं. फिर उसके बाद जब हम खुद से स्टेटमेंट के साथ करते हैं जो वो क्वेश्चंस में बड़े सर वो वैसे स्कैरी टाइप से लगते हैं, डर लगता है उन क्वेश्चंस को देख के कि यार ये सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे. ओके सो द थिंग इज दैट इसके लिए तो ये है कि जिस दिन जो पोर्शन कराया जाए, इसमें रेगुलरिटी की बात है, आपको जिस दिन जो पोर्शन कराया जा रहा है आपको उसको उसी दिन फोकस करके उसे कंप्लीट करना चाहिए, ताकि वो बाद में आपको स्कैरी या फिर अनजाना सा ना लगे कि ये तो हमने किया ही नहीं है या फिर ये हुआ ही नहीं है. सो दैट इज़ द थिंग, मतलब रेगुलरिटी आपको लानी होगी अपने उसमें कि जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसी दिन उसका ध्यान रखना होगा. ओके ओके. सो दीपक, जब नीट की डेट आती है ना तो ये एक्साइटमेंट से फील होती है, देन थोड़ा पैनिक सिचुएशन भी आ जाता है. ओके ओके. कि एक महीने पहले मतलब डेट आती है, दो महीने पहले तक जैसे ही टाइम जाता रहता है, देन एक मंथ रहता है ना तो बड़ा पैनिक सिचुएशन आ जाता है, एंजाइटी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. ओके ओके. होगा कि सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे भी एक्चुअली डर लगता था एंड सबको आई थिंक कहीं ना कहीं लगता है. मुझे इस बात से डर लगता था कि मैंने जितनी प्रैक्टिस की है, जितनी भी हार्डवर्क किया है डे एंड नाइट वट एवर, ओके सो क्या मैं उतना रिप्रेजेंट कर पाऊँगा 3 आवर में. कहीं ऐसा ना हो कि 3 आवर में ऐसी चीज़ हो जाए मैं लैक कर जाऊँ या मुझे स्ट्राइक ना करे, बनती हुई चीज़ें मुझसे ना बने. तो ये सारे जो फेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं.
बट कहीं ना कहीं मैंने इसका रास्ता निकाल लिया. मैं सोचा अगर मैं डर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं उसे डेफिनेटली स्पॉइल कर दूंगा. तो मैंने एक्चुअली हम एग्ज़ाम हमसे बड़ा नहीं है, हम एग्ज़ाम से बड़े हैं एक्चुअली. मतलब एग्ज़ाम इज़ नॉट समथिंग कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें उसे बहुत लाइटली लेना चाहिए. मैंने उनका एग्ज़ाम डे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज नीट का पेपर है, आज हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, आज बहुत बड़ा दिन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. मतलब जस्ट बी लाइट, मतलब आप जितना नॉर्मल रह सकते हो, जितना ऑर्डिनरी रह सकते हो, मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना ऑर्डिनरी रहोगे उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका रिजल्ट होगा. सो द थिंग इज़ दैट कि आपको प्रिपरेशन में भी उतना ही ऑर्डिनरी रहना चाहिए, लास्ट मंथ में भी, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करके रिवाइज करके चीज़ों को खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए कि आप जितना रिवाइज करोगे आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, है ना. सो दैट इज़ अ थिंग. एंड अगर मैं आपको बात करूँ ओवर थिंकिंग वगैरह, तो फोकस करो. मतलब जो काम है, वॉट एवर द वर्क यू हैव इन योर हैंड, आपको उस पर फोकस करना चाहिए. आप एग्ज़ाम में सोचो ही नहीं, ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आ रहा है, जस्ट मतलब ये सोचो ही मत कि एग्ज़ाम आ रहा है. आप सिर्फ अपना काम करते रहो. मतलब आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाओ अपने वर्क में कि आपको ये याद ही ना रहे कि एग्ज़ाम भी आ रहा है. मतलब एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और आपके पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि एग्ज़ाम इज़ कमिंग. या दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन, मतलब जी हर किसी को ऐसा करना चाहिए कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाओ अपने वर्क में कि आपके पास टाइम ही ना हो ये सोचने के लिए कि एग्ज़ाम आ रहा है या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा. आर यू गेटिंग? ओके. तो दीपक, कभी कभी पता है फील ऐसा आता है कि मैंने ये ड्रॉप लेके सही किया कि नहीं किया. ओके. क्योंकि मेरा तो थर्ड ड्रॉप है, मैं तो 3 साल से पार्शियल ड्रॉपर हूँ. ओके. सो मुझे ऐसी सी फीलिंग आती है कि यार मुझे लेना चाहिए था ड्रॉप या नहीं. ओके. और मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ किसी भी रीज़न की वजह से, मेरी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ भी, तो मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि एज मैटर करता है. देन उसके बाद एज है, फिर आगे हमें एक क्वालिफाई भी करना है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं. ओके ओके. सो मतलब एक टाइप से देखा जाए सो मतलब हमें कितने ड्रॉप्स लेने चाहिए. एंड द थिंग इज़ दैट मतलब आपका ड्रॉप वैलिड है कि नहीं. सो इस बारे में ये कहूँगा कि द थिंग इज़ दैट अगर आपका गोल बड़ा है तो हो सकता है कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाए, बट फाइनली जब वो अचीव हो जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा. अगर मैं ये कहूँगा जितने भी ड्रॉपर्स हैं, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपका एक पहली बात तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए कि दिस ड्रॉप ईयर इज़ गोइंग टू द फाइनल. मतलब आप ऐसा खुद से कहो दिस ड्रॉप ईयर इज़ गोइंग टू द फाइनल और मैं इस ड्रॉप ईयर में सब कुछ कर दूंगा जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मतलब वट एवर आई कैन डू टू अचीव माई, है ना, टू अचीव द सक्सेस. ओके. सो द थिंग इज दैट मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ अगर आप ड्रॉप ईयर स्टार्ट करते हो, पूरे साल हार्डवर्क करते हो, तो आई एम डैम श्योर रिगार्डिंग इट कि आप मतलब निकाल लोगे, मतलब फाइनली आप क्रैक कर ही लोगे. सो दैट इज़ अ थिंग कि ड्रॉप ऐसे मत लो कि बस ले लिया कि एक और चलो ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आप ले रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करो, उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइनली एंड करो. सो दैट इज़ अ थिंग मतलब जो हर ड्रॉपर को ध्यान रखनी चाहिए. ओके. सो दीपक, पता है कभी कभी क्या होता है जब हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हम ड्रॉप के फर्स्ट कुछ मंथ में, जैसे 3-4 महीने में, हम बहुत सीरियस होके पढ़ते हैं, बहुत सीरियस. ओके. फिर उसके बाद पता नहीं कैसे अजीब सी फीलिंग चली जाती है. हाँ, कि अभी तो टाइम है, नीट की डेट भी नहीं आई है, अभी तो टाइम है. करते करते हमारा पूरा मोटिवेशनल लूज पड़ जाता है, हम इतना अच्छे से पढ़ते भी नहीं है. ओके. सो और फिर एकदम से जब पेपर आता है तो हमें एकदम से फील आता है कि हाँ पेपर है. फिर हम उस टाइम जाके अच्छे से पढ़ने लगते हैं. तो बीच का टाइम फ्रेम है ऐसे लूज करें कि नहीं? ऑब्वियसली नॉट. मतलब मतलब आपको खुद को एक्चुअली द थिंग इज दैट सेल्फ मोटिवेशन आई थिंक वर्क करता है. जैसे मेरे साथ था, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता था. ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स मेरे को मोटिवेट करता था. इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. सो सेल्फ मोटिवेशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको हर दिन जगाए और हर दिन आप वर्क कर पाएँ. सो दैट इज़ अ थिंग मतलब जो नीट एस्पिरेंट्स में होनी चाहिए एंड वो धीरे धीरे आप डेवलप कर लोगे, है ना. सो या रूबी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो दीपक, थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से बस इतना ही. ओके. सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड. ओके. So guys, that's it from my side as well. And if you like this video, just like, share and subscribe the channel. And meet you soon in the next episode of Walk and Talk. Stay tuned, stay connected. Okay, goodbye.